हमारी सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवाई या फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की सलाह या राय नहीं देते और हमारी वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमारे पास साल के अनुभव की सहायता से दी गई है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो। धन्यवाद। जो आज जो है पानी देने का पहला दिन है और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों में से छोटे छोटे जो है पत्ते निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो पानी देने से पहले ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के वीडियो में बता दिया था कि पेड़ों पर स्ट्रेस कैसे देते हैं और उसकी पतझड़ कैसे करते हैं। तो हमने इस साल क्या किया था, पेड़ ज़्यादा हरे थे तब भी हमने उसे स्ट्रेस दिया, उसके उसकी पतझड़ की और फिर बगीचे को जो है फ्रूटिंग के लिए तैयार किया है। पर अगर इसीलिए पेड़ों पर जो है छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे हैं वो भी पानी देने से, अगर आपके पास समय है तो आप क्या कर सकते हैं कि पेड़ों को जो है 70-80% जो है पेड़ों को जो है स्ट्रेस आने दे नेचुरली, उसके बाद स्प्रे करें। और अगर आप भी मेरी तरह कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमें बरसात के पहले जो हार्वेस्टिंग वगैरह कर लेना है, तो आप हमने जैसे किया जैसे वीडियो में दिखाया वैसे भी कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं हम उसके लिए पहले से ही तैयार थे, हमें ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए जो हम स्प्रे भी लेने वाले। तो वो स्प्रे कौन सा है और कैसे लेंगे? तो आज हम स्प्रे करने वाले हैं लियोसिन का, जिसमें कि क्लोरोमैक्वेट क्लोराइड है 50% में। ये चाहिए हमें 1 ml/L के हिसाब से। और दूसरी चीज़ जो है वो हम उसमें इस्तेमाल करने वाले 0-52-34 फर्टिलाइज़र, जो कि हम 3 g/L के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यही है जो आज का स्प्रे होने वाला है। तो आप जो है ये छोटे छोटे पत्ते देख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, इस पर लियोसिन और 0-52-34 का जो है वो स्प्रे लिया है। तो लियोसिन जो है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और उसके साथ हमने लिया है 0-52-34। तो ये दोनों क्या काम करेंगे, लियोसिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो वो क्या करेगा कि इसकी जो बढ़ने की स्पीड है उसे कम कर देगा। और दूसरी बात 0-52-34 क्या करेगा कि जैसे कि इसके छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, ये जो पत्ते निकल रहे हैं तो इसे 0-52-34 क्या करेगा कि इसे जो है विड़ता आएगी पत्तों में, ये जो पत्ते हैं इसमें विड़ता आएगी, ये चौड़ाई बढ़ेगी पत्तों की, उससे क्या है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो अच्छे से होगी। तो ये एक बात है। और कल्टर की ड्रीचिंग करने से क्या होगा कि हमने अब लियोसिन का स्प्रे किया है, तो ये क्या है इसकी ग्रोथ यहीं पर रोक देगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 0-52-34 क्या है, पत्तों की विड्थ बढ़ाएगा और उसके बाद कल्टर जो है वो इसमें से जो है वो बडिंग निकालेगा और इसमें जो है बर्ड्स आएगी, कलिया यहाँ पर आएगी। तो ये जो है ये सभी मिलकर कल्टर 0-52-34 और उसके बाद लियोसिन, तो ये सब मिलकर बडिंग के लिए बहुत हमें मदद करने वाले हैं। और ये किस तरीके से मदद करते हैं हम जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहे।